दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए श्री भगवती किचन को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जेंट्स हैग की घर पर किस तरीके से बनाया जाता है ये बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यह कॉटन का कपड़ा ले लिया है, रुमाल जिस पे बनाना है। इसके बाद मुझे 18x18 इंच की चौड़ाई तैयार चाहिए हैंकी की, तो मैं यहाँ से नापना शुरू करती हूँ। मैं 19 इंच ले रही हूँ, ठीक है, 19 इंच इस लंबाई और 19 इंच चौड़ाई, ये मैंने निशान लगाया 19 इंच पे। तो आपको 19x19 का एक चकोर पीस काट लेना है। ये यहाँ पर करनी है, आपको ये ध्यान देना है कि जब आप रुमाल बनाएंगी तो इस करनी को आपको अलग कर देना है। 19x19 का आपको स्क्वायर पीस काट लेना है। ये मैंने 19x19 इंच का कपड़ा जो है स्क्वायर पीस काट लिया है। इसके बाद जो करनी है इसे भी मुझे अलग कर लेना है। आपके कपड़े में अगर करनी आती है तो आपको उसे अलग से काट लेना है। ठीक है, कन्नी काटने के बाद हमें यहाँ से कम 3.5 इंच आगे एक निशान लगाना है और सुई की मदद से यहाँ से एक धागा आपको खींचना है। ये 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ से मुझे यूं एक तार लेनी है इस कपड़े की, यूं यूं देखिए बिल्कुल आराम से मुझे इसे खींचना है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखिए, ये जो है लाइन बनती जाएगी। आपको 3.5 इंच पे चारों तरफ से एक तार खींच लेनी है, यूं इसको यूं लगाया और एक तार यूं ऐसे खींचते हुए आपको बिल्कुल आराम से यूं धागा बिल्कुल कच्चा है, आपको बहुत ही आराम से खींचना है इसे ऐसे ऐसे। अगर कहीं से टूट जाता है, जैसे कि मेरा यहाँ से टूट गया है, तो आपको फिर से सुई की मदद से उस धागे को यूं यूं ऐसे खींचना है। ये देखिए, ये जो है एक लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी। आपको ये दो लाइनें हो गई, एक लाइन और आपको खींचनी है। यहाँ पर गैप बराबर होना चाहिए, ये देखिए, ये धागा भी खींच लेना है आपको ऐसे यहाँ पे। ये देखिए, मैंने कपड़े के जो तार हैं यहाँ से निकाल दिया, आधा आधा इंच पे इधर की साइड से। यहाँ से मैंने 1.5 इंच इधर की साइड लिया है और यहाँ से मैं 3 तार निकाले हैं। इसी तरीके से मैंने इस कोने पे भी 1.5 इंच पे 3 तार निकाले हैं और फिर यहाँ से आधे आधे इंच पे। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा ये रुमाल जो है ये यहाँ से कर यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे या तो एम्ब्रॉयडरी का एंकर का धागा लेना है, दो तार, या फिर मैं रील का धागा ले सकती हूँ, जो मुझे कलर पसंद है। मैं यहाँ पर अब ये मैंने मैरून कलर का धागा जो है डबल करके सुई में, एक टुपाई वाली सुई में डाल लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने धागे निकाले हुए हैं
यहाँ से ये देखिए, ये मैंने नॉट लगा ली है आखिरी में। धागे की लंबाई मुझे इतनी रखनी है जितनी कि इस रुमाल की लंबाई चौड़ाई 19 इंच है, तो मुझे कम से कम 4 इंच फालतू धागा लेना है। और फिर यहाँ से शुरू करना है सीधी साइड से, 3 तार मुझे ऊपर लेने हैं और 3 छोड़ने हैं, 3 लेने हैं 3 नीचे छोड़ने हैं, 3 फिर लेने हैं और 3 सुई में छोड़ने हैं, ये देखिए। और नॉट थोड़ी सी इधर को करने हैं, फिर से 3 तार मैंने उठाए, 3 छोड़े 3 उठाए 3 छोड़े 3 उठाए 3 छोड़े, यानी कि इस तरीके से। और जो सुई का रुख है नोक का आगे की तरफ रखना है और प्यार से इसे ना तो ज़्यादा खींचना है धागे को और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है। इस तरीके से मुझे ये बनाना है। आप एक ही कलर का यूज़ कर सकते हैं या फिर तीनों लाइनों के लिए अलग अलग डिफरेंट कलर भी, जैसे इस लाइन में मैरून यूज़ करी तो इसमें दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, इसमें दूसरा यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो फिर से आपको 3 धागे लेने हैं, 3 छोड़ने हैं, 3 तार उठानी है, 3 छोड़नी है, यूँ 3 उठाई 3 छोड़ी 3 उठाई 3 छोड़ी, यूँ ऐसे धागा खींचना है। ये देखिए यहाँ ऐसे, तो ये पूरा जो है आपको जितनी भी आपने तारे खींची हैं इन पर इस तरीके से जितनी भी तारे खींची हैं, जो अंदर की तारे खींची हैं आपने, ये जो 3 3 इकट्ठी खींची है, ये जो है किनारे की 1.5 इंच जो आपने इधर की साइड ली है इस पर बीडिंग करनी है। ये किस तरीके से करनी है मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको ये जो है अंदर की 3 3 जो आधे आधे इंच पे खींची है स्क्वायर पीस, ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। जब आप लास्ट में लेके आएंगे धागा का एंड जो है लाइन में लेके आएंगे, तो इस पर आपको कोई भी नॉट नहीं लगानी है, आप इसे यहीं से 1-2 इंच फालतू काट के छोड़ दीजिए। इसके बाद आप नया स्टार्ट करें लाइन फिर से, फिर तीसरी लाइन आप स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ की लाइनें और यहाँ मतलब पूरा जो है कंप्लीट करना है इस रुमाल को। चारों तरफ मैंने ये कच्चा जो है ये वाली रोस्टी जो है तैयार कर दी है। इसके बाद आपको कोने कैसे तैयार करने हैं, देखिए ये मैंने एक कोना लिया, यहाँ से आपने पकड़ा इसको और यहाँ से जो आपने तार खींची हुई है इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने बिछा के दिखाती हूँ आपको, ये दोनों लाइन आपको आपस में मिलानी है। इसके बाद आपको ये जो कोना है यहाँ पे यूं, ये जो मैंने चौका निशान लगाया है यहाँ से आपको लेना है। आप सिलाई मशीन की मदद से ले सकते हैं, मैं डिफरेंट कलर के धागे से कर रही हूँ, लेकिन आपको उसी कलर का धागा यूज़ करना है जो कि आपके हैंकी का कलर है। ये आपको सिलाई मशीन से ये करना है, ऐसे यूं यूं। ये जो लास्ट पॉइंट है इससे पहले ही आपको इसे यहाँ पे ये पक्का करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए मैंने जो ये पॉइंट है यहाँ पर इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे करके आपको भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये यहाँ से आपको ये आपने उंगली डाली और यूं थोड़ा सा इस कोने को ठीक से बना लीजिए, ये आपने पकड़ा। अब देखिए ये जो कोना है इसको जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको यूं करिए, इसे फोल्ड कर लीजिए। ये जो कोना है ये कोना, ये आप जो सिलाई किया हुआ कोना है और ये वाला कोना एकदम मैच होने चाहिए।
जो ये आपकी यहाँ से कच्चा आपने तार लाइन लगाई है यहाँ पर मैच करनी चाहिए, इस तरीके से आपका ये मैच करना चाहिए। अब बीडिंग आपने कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं बताती हूँ। बीडिंग जो होती है हमेशा उसी रंग से कलर से की जाती है धागे के, जो कि हैंकी का कलर हो। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से सिखा रही हूँ आपको। आपने यहाँ से 8 तार करीबन लेने हैं, इनको यूं ये किया आपने, ऊपर आपने जो फोल्ड कपड़ा है उसकी तरफ यूं ऊपर की तरफ इसका फ्लो होना चाहिए। इसके बाद फिर से आपने 8 टांके, ये धागा जो है आपने अंगूठे के नीचे दबा दिया, और फिर से आपने 8 के करीबन टांके लेने हैं और फिर से ऊपर की तरफ यूं खींचना है धागे को, और फोल्ड कपड़े पे ऊपर की तरफ टांका लिया। फिर इस आपको ये जो धागा है सुई का धागा आपको ऊपर की तरफ करना है, और जहाँ पर आपने टांके पहले ले लिए थे उनको छोड़ के आगे के 8 टांकों पर फिर से आपने सुई आगे करनी है। फिर इस कपड़े को ऊपर की तरफ धागे को खींचना है और फोल्ड कपड़े पर टांका लेना है। देखिए, एक बार टांका आपको ऊपर फोल्ड कपड़े पर लेना है और एक बार नीचे जो धागे हैं 8 के करीबन, 8 या 9 10 जितने भी आप लेते हैं आपको इक्वल लेने हैं। फिर आपको ये हाथ जो है ऊपर की तरफ खींचना है और फिर से एक टांका फोल्ड कपड़े पर लेना है आपको ये, और फिर आपने क्या करना है, फिर से 8 टांके लिए आपने। ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपको फोल्ड कपड़े पर लेना है टांका, और ये जो है अंगूठे के नीचे आपको ये धागा दबाना है, और फिर से आपको जो आपने तार निकाले हुए हैं 3 कपड़े के, उस कपड़े पर लेना है, फिर आपको ऊपर खींचना है, फिर फोल्ड कपड़े पर, फोल्ड कपड़े के बाद अंगूठे के नीचे दबाइए। फिर क्या करना है आपको, जो आपने तार छोड़ी हुई है वहाँ से आगे के 8 धागे फिर से आपने लिए, और ये हाथ का रुख जो है, धागे का रुख जो होना चाहिए फोल्ड कपड़े की साइड होना चाहिए। ये हो गया, देखिए पीछे से ये ऐसे नज़र आएगा। आप जो है फोल्ड कपड़े की तरफ रुख रखते हैं तो ये बीडिंग जो है टांका आपको ऊपर की साइड दिखाई देगा, इधर से भी ये ऊपर की साइड है। आपको रुख जो है फोल्ड कपड़े की साइड होना चाहिए धागे का, इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। जब इस कोने पे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये फोल्ड करना है, कोना भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये धागा इससे मिलना चाहिए और ये धागा ऐसे, ये कोना इस तरीके से तैयार होगा। तो आपको पूरा चारों तरफ चारों कोने ऐसे ही बनाने हैं और ऐसे ही आपको बीडिंग करनी है। बीडिंग करने के बाद ये देखिए सीधी तरफ से ये बीडिंग इस तरीके की नज़र आएगी और उल्टी तरफ से ऐसी नज़र आएगी। मैंने दूसरे कलर से की है ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। आपको बीडिंग करनी है तो उसी कलर की करनी है जिस कलर का हैंकी होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।